हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज जायका अपने घर के में बनने वाले हैं ये प्याज का पराठा। जी हाँ, क्योंकि बारिश का टाइम है और इस बारिश के मौसम में और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो बस प्याज का पराठा इन गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो आप भी ये प्याज का पराठा बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जितना बनाने में आसान है ना, लेकिन खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी एंड चटपटा। एंड लुक एट दिस, पराठे की स्टफिंग आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। तो ट्रस्ट मी गाइस, एक बार इसको ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। तो चलिए फटाफट से हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सिंपली 2 कप गेहूँ का आटा। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है, ये दूसरा कप। तो 2 कप गेहूँ का आटा, उसके बाद हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इसके बाद हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल भी ले सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और बस इसको हम हाथों की सहायता से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे आटे में नमक और घी बढ़िया से आटे के रेशे रेशे में चला जाए। ये देखिए इस तरीके से। और बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डालकर एक सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। जैसा हम रोटी का बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाना है, क्योंकि पराठे हमेशा सॉफ्ट डो में ही एकदम बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। अगर आप इसको हल्का सा भी टाइट कर लेंगे तो पराठे हमारा फट सकते हैं। तो यहाँ पर डो बनकर हमारा तैयार है, और डो के ऊपर मैं लगा दूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल इस तरीके से, और इसको हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अजवाइन को स्किप कर दिया है। तो चलिए इसको रख देते हैं हम साइड में ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए, और अब हम प्याज की स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है 4 मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने छील के बढ़िया से धो लिया है। तो आप गाइस इसको चॉपर में बिल्कुल भी ना काटिए, उससे क्या होता है ना, प्याज जो है पानी छोड़ने लग जाता है। तो बस इसको आप कोशिश कीजिए, पहले तो इसके ये वाइट वाला पार्ट है इसको निकाल के रिमूव कर दीजिए बढ़िया से। और बस इसको फिर आप ना ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ का आप इसको कट करेंगे। ये देखिए इस साइज़ का हमको काटना है, तो इससे क्या होगा ना, पराठे में क्रंच जो है हमारा बना रहेगा। तो बस इसी तरीके से मैंने सारा प्याज काट के यहाँ पर तैयार कर लिया है, और इस प्याज के साथ मैं काटूँगी 2 हरी मिर्चें। आप मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस पराठे को और एक्स्ट्रा एकदम फ्रेशनेस देने के लिए, या फिर खुशबू देने के लिए, या फिर स्वाद बढ़ाने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हरा धनिया, और उसके बाद मैंने कद्दूकस करके इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ले लिया है। इन सबको मैंने ले लिया एक मिक्सी बाउल में, और उसके बाद डाला है मैंने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्चों का पाउडर। और इसके बाद मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर 1/2 चम्मच गर्म मसाला, जो कि आप कोई भी ले सकते हैं, कोई ब्रांड नहीं है, सिंपली गर्म मसाला है बस। और इसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच ही चाट मसाला पाउडर। गाइस डाल के ज़रूर देखिए आप, परांठों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप हिसाब से ही डालिए, क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है। तो बस इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए लग रही ना एकदम बढ़िया से स्टफिंग। तो बस अगर आप बनाने जा रहे हो तो आप इसमें नमक अभी ही ऐड करिए, जब आप एकदम अपने परांठे को बनाने जा रहे हों, क्योंकि अगर इसमें नमक डल चुका है, और आप सभी जानते हैं कि नमक डालने के बाद प्याज जो है पानी छोड़ना लग जाता है, तो अगर आप नमक अभी डाल रहे हैं तो यानी तुरंत आपको परांठे बनाकर तैयार करने होंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपकी बनाने की स्पीड थोड़ी कम है, यानी कि अगर एक परांठा आपका तवे पर है और दूसरा आप बेल नहीं रहे हो, तो इतने देर में स्टफिंग जो है हमारी गीली हो जाती है, क्योंकि नमक हमारा प्याज में डला हुआ होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक टिप देती हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है, और आप एक बार ट्राई कीजिए, ये बहुत ही काम की भी है। तो इसमें हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। जी हाँ, क्योंकि पैन मैंने ऑन रख लिया है, गैस भी ऑन है, और इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून बेसन, जो कि बढ़िया से हम इसको भून लेंगे जब तक बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाए हमारे बेसन में। आप कच्चा बिल्कुल भी ना डालिए, फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस जब भी आप बेसन डालें, भून के डालें, और बेसन से क्या होगा ना, बेसन जो है जब भी प्याज पानी छोड़ेगा तो बेसन है ना उस पानी को अब्सॉर्ब करेगा, और दूसरी कि बेसन डाल के ना बढ़िया सा फ्लेवर भी आएगा हमारे प्याज के पराठों में। तो आप एक बार इसको डालकर ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पर बेसन मेरा भुन गया है, और मैंने स्टफिंग में अपना ये बेसन डालकर
तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसको हम बढ़िया से अब मिक्स कर लेते हैं ये बेसन डाल के। और बस अब आप इस स्टफिंग को 1-1.5 घंटे के लिए भी छोड़ देंगे ना, तब भी इसमें से पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि बेसन जो है वो सारा पानी अब्जॉर्ब करता रहेगा, पानी हमारे इस स्टफिंग में आने ही नहीं देगा। तो आप एक बार इस स्टाइल से पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आटा देख लेती हूँ, आटा बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है, और एक बार मैं इसको चिकना कर लेती हूँ। तो बस एक जैसे हम रोटी की लोई लेते हैं, तो बस मैंने उतनी ही बड़ी रोटी की लोई ली है, और बस मैं इसको एक रोलिंग बोर्ड पे इस तरीके से फ्लैट करते हुए सूखे आटे में कोट कर कर हाथों की सहायता से इस तरीके से कॉर्नर इसके फैला लूँगी, क्योंकि कॉर्नर्स हमको पतले रखने हैं और जो बीच का पोर्शन है इसको हमको मोटा रखना है। इससे क्या होता है, पराठा हमारा फटता नहीं है। अगर आप बीच में ही पतला कर देंगे तो पराठे का फटने के चांस कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस आप इस बात का ध्यान रखिए। और मैंने बस लोई को हथेली पर रख लिया है, और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने अपना ये मसाला डाल दिया, यानी प्याज की स्टफिंग डाल दी है। तो बस इसको हम अंगूठे से दबाते हुए अपने परांठे की लोई को बंद करेंगे, ये देखिए इस तरीके से पिंच करते हुए। अगर एक्स्ट्रा आटा हो तो आप ऊपर से हटाकर इसको रिमूव कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आटा इसको नीचे ही इस तरीके से आप बैठा कर ये देखिए फ्लैट कर दीजिए। और बस मैं थोड़ा सा इसमें सूखा आटा डालकर आगे पीछे हाथों की सहायता से इसको हम फ्लैट करेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी जो स्टफिंग है प्याज की स्टफिंग वो पूरे परांठे में फैल जाएगी। तो जितना फ्लैट होगा हम पहले हाथों की सहायता से ही फ्लैट करेंगे, बाकी हम बेलन से बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये हाथों की सहायता से फ्लैट कर लिया है, और बस अब मैं थोड़ा सा आटा और इस पे डाल करके बढ़िया से इसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। हल्के हाथों से ही बेलना है, और हमको इसको जब तक बेलना है जब तक कि हमारी जो स्टफिंग है वो परांठे में से झाँकने ना लग जाए। ये देखिए इस तरीके से परांठे को हमको बेलना है, और यह देखिए स्टफिंग हमारी एकदम झाँकने लगी है, तो परांठा हमारा परफेक्टली बिलकर तैयार है। तो साइड में मैंने तया अपना गर्म होने रख दिया था, और यहाँ पर तया हमारा गर्म है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया अपना परांठा। तो परांठे को हम पहले बिना ऑयल के फ्राई करेंगे, यानी कि सेक लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर गैस को रखना है आपको, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो घी या तेल जो भी आप लगा रहे हैं परांठे में वो जल सकता है, और उससे क्या होगा ना, सारे किचन में आपके धुआं ही धुआं हो जाएगा, है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो है परांठा हमेशा एकदम लो फ्लेम पर सेकें, उससे जो है ना बहुत ही बढ़िया कलर भी आएगा और किचन में आपका धुआं भी नहीं होगा। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे परांठे में, और ये बढ़िया से सिक कर तैयार भी हो गए। तो आइए मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और बस इसी तरीके से मैं अपने सारे परांठे प्याज के परांठे बना करके तैयार कर लूँगी। और ये इतने करारे और गर्मा गर्म है गाइस, ये देखिए लग रहे हैं ना कितने बढ़िया, लुक एट दिस। तो बस मैं इसको सर्व कर रही हूँ दही के साथ, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं, गर्मा गर्म चाय के साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। ये देखिए मैं इसके एक बार इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ, एंड लुक एट दिस गाइस, लग रहा है ना कितना बढ़िया फील। प्याज की आप स्टफिंग देखिए कोने कोने तक हमारे परांठों में फैली हुई है, कितना बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग। तो एक बार तो इसको बनाना बनता ही है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये प्याज का पराठा गाइस कैसे लगा। तो मैं तो इसको सर्व कर रही हूँ दही के साथ, और ये देखिए कितना बढ़िया से इंजॉय भी करेंगे, लग रहा है ना कितना बढ़िया। तो बस आप इस बारिश के मौसम में ये प्याज का पराठा इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म।